पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मझूला थाना क्षेत्र के जयंतीपुर शिवनगर के सर्राफा बाजार में सोमवार दोपहर बाइक सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर सनसनी फैला दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दो युवक मौके से भाग गए। पुलिस के अनुसार मझूला के जयंतीपुर शिवनगर निवासी पवन रस्तोगी ने बताया कि उनकी लक्ष्मी ज्वेलर्स नाम से ज्वेलरी की दुकान है। सोमवार दोपहर वे दुकान में बैठे थे, इसी दौरान दुकान के बाहर तीन युवक एक बाइक पर सवार होकर आ गए। आरोप है कि उन्होंने कहा कि यहां दुकान चलानी है तो सभी सर्राफा को 20,000 रुपए देने होंगे, अगर रुपए नहीं दिए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इसके बाद युवकों ने तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। व्यापारियों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस मौके पर पहुंच गई और एक आरोपी को भी पकड़ लिया गया, जबकि दो युवक मौके से भाग निकले। सीओ सिविल लाइन सागर जैन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ जारी है। वो दूसरा आदमी कह रहे हैं दूसरा दाना डाल, एक फायरिंग करी फिर दूसरा दाना डाल, दूसरा दाना डाल, जबकि हमारी कोई इनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। आपके जानने वाले हैं या अनजान? पड़ोस में रहते हैं, जानते नहीं है, बदमाश पार्टी है सभी। पहले कोई पुराना विवाद भगा रहा है ना? हमारा कोई किसी से कुछ नहीं है। पुलिस में आए हुए हैं इस समय, चौकी इंचार्ज से बात हो गई, कर रहे हैं वो अपनी कार्रवाई। आरोपी आरोपी कोई पकड़ा भी है? हाँ पकड़ा है, ऋषभ गुप्ता। कितने थे टोटल? तीन जने थे, गोलू शर्मा, ऋषभ गुप्ता और एक आकाश नाम का। कितने फायरिंग किए? एक फायर छोड़ा और उसका मुझ पे दाना भी, उसका जो वो हो जाता है मिस, वो भी है मेरे पास सबूत के तौर पे, वीडियो भी है उसकी। हाँ पल्सर गाड़ी है, गाड़ी पकड़ गई है और वीडियो भी है, रिकॉर्ड हो गई सीसीटीवी। हाँ सीसीटीवी फुटेज है मुझ पे। पड़ोस में पवन लक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से दुकान है, पवन उसके प्रोपराइटर है, वो लोग दुकान पर बैठे हुए थे, हम लोग सारे के सारे अपने अपने दुकानों पर। ये तीन बदमाश आए, आके इन्होंने पहले तो फायर मारा, उसके बाद बोले बोले हर आदमी से मुझे 20,000 रुपये चाहिए, नहीं दोगे तो कोई दुकान नहीं खोलने देंगे हम, किस तरह से। उसके बाद कौन लोग हैं ये और क्या चाहते हैं? कब से आप आपके मिलने वाले हैं या अनजान ही है? आप मोहल्ले का आए रहने वाला तो वैसे बदमाश है, दिल्ली की जेल में था, वहाँ से पैरोल पे आया हुआ है, लेकिन इस टाइम ये सब पूरे मोहल्ले को परेशान करे फिर रहा हर आदमी। अभी एक गुप्ता जी उनके साथ भी इसने हादसा करा इस तरह का, उन्होंने सिगरेट दी, उन्होंने पैसे मांगे तो उसने फायर मार दिया इसने, फिर उसके बाद उन्होंने डरा धमका के उनसे कम्प्रोमाइज़ कर लिया। सब ये लोगों ने जीना हराम कर रखा था। ये हिस्ट्री सीटर हैं, उगाही कर रहे हैं आप लोगों से? उगाही कर रहे हैं सर, हमसे जो है कह रहे हैं बोले सर्राफे की दुकान खोलोगे जब हमें पैसे दोगे, वरना हम दुकानें तुम्हारी नहीं खोलेंगे। जी ये जयंतीपुरा चौकी जो है सर्राफा बाजार वाले मार्केट में तीन अभियुक्त एक मोटरसाइकिल पे नशे की हालत में उन्होंने हवाई फायरिंग किया, जिसमें पुलिस को सूचना मिलने के बाद करीब 10 मिनट बाद उन्हें उस एरिया से गिरफ्तार कर लिया गया है। जो एक मेन उसका चालक है जिसने हवाई फायरिंग की थी, उसका नाम ऋषभ है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा उचित धाराओं में पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, बाकी दो की पुलिस तलाश कर रही है और जांच जारी है। क्या वजह थी सर जो फायरिंग की गई? ये आपसी रंजिश है, जो मेन फायरर है ऋषभ, उसकी आपसी रंजिश है, उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा करके और अपने रंजिशान के चलते ये फायरिंग की, उसकी जाँच की जा रही है। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने कुछ उगाई को लेकर के वो मांग रहे थे रंगदारी, इसका अभी संज्ञान में नहीं है, इसकी जांच की जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।